मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले तो बेहद मशकूर हूँ डायसिस के इज़्ज़त मां बिशप कलीम जॉन साहब के लिए, उनकी सारी मोहब्बत के लिए और उनकी टीम के लिए, बिलखसूस पास्टर डैनियल साहब के लिए, पास्टर सलीम साहब के लिए, भाई इमरान के लिए कि उन्होंने हमें दिल खोल के वेलकम किया, और उनकी तमाम तर जो कलीसियाई खिदमत है उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में आपको कभी फरामोश नहीं किया। मैं अपने बड़े भाई काशिफ गालिब साहब का भी बेहद मशहूर हूँ, अपने भाई अपने भाई आसिफ राज साहब का भी बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदू किया, ये सारा इंतमाम किया। और इसके साथ साथ मैं आप सब बहन भाइयों का भी, बुजुर्गों का, बहनों का, अपने भाइयों का, साथियों का, दोस्तों का, और जो दोस्त बिलखसूस मेरे साथ आए हैं, मैं अपने भाई विशाल खोखर साहब का बेहद मशहूर हूँ उनकी तमाम तर काविशों के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने भाई दाऊद के लिए, अपने भाई साकिब के लिए जो हमारे साथ इस्लामाबाद से आए हैं। और आपको पता है कि हम परसों रात से सफ़र में हैं, परसों रात बारिश में हमने सफ़र का आगाज़ किया, इस्लामाबाद से थ्रू आउट बारिश थी लेकिन हम बारिश में ही निकले, सारी रात सफ़र करते हुए सुबह हम तकरीबन 8 बजे करीब कल सुबह हम मुल्तान पहुँचे, फिर वहाँ को अगस्त किया, फिर 10 बजे 10:30 वहाँ से निकले, फिर हम वहाँ से निकल कर हम रोड़ी आए हैं सखर में, रोड़ी में, और शेखाबाद में भी जो हमारे बहन भाई हैं उनके तक ये हमें जो टोकन ऑफ लव है उन तक पहुँचाया है। तो हम ये समझते हैं कि मुश्किल घड़ी ज़रूर है, आज हम अपने दरमियान हैदराबाद में हैं तो इस मुश्किल घड़ी में आप तनहा नहीं हैं, और चूँकि हम इस समाओ में बैठे हैं, खुदा के घर में बैठे हैं, तो एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हम मसीह होने के हवाले से मसीह का बदन है। क्या है जी? हम मसीह का बदन है, और बदन के अगर किसी हिस्से पे कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, तो सारी रात नींद नहीं आती है। बदन जो है वो तड़पता रहता है, उसमें दर्द होती है। अगर दांत में दर्द है, कान में, आंख में दर्द है, तो मैं नींद नहीं पड़ती, आंखों को नींद नहीं आती, आंखें बंद नहीं होती। तो फिर अगर कोई बदन का हिस्सा हम क्लेम करते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मानना है कि हम मसीह का बदन है, तो अगर बदन में किसी हिस्से में कोई तकलीफ है, कोई बहन भाई मुश्किल में है, कर्ब में है, दुख तकलीफ में है, तो उस कर्ब को, मुश्किल को, उस मुश्किल घड़ी को हम सबको फील करने की जरूरत है। तो ये फीलिंग्स हैं जो हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मेरे दोस्त बहन भाई दूर दराज से आते रहते हैं आपके पास, आप लोगों की दुख तकलीफ की घड़ी के आप खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप तनहा नहीं है, हमसे जो कुछ हो पाएगा हम करेंगे। दो बहनों ने यहाँ पर बात भी की, सागर से बहन आई है, दूसरी बहन ने बात की, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके ये जो जैसे ये पानी उतरता है, फिर प्रॉपर आपकी जो घरों की कंस्ट्रक्शन है उसे यकीनी बनाया जा सके, जहाँ से भी हम पास अरेंज कर सकें, हम आप तक लेके आ सकें, उससे कबल हम चाहेंगे कि हम टेंट्स की सूरत में एक आपको शेल्टर प्रोवाइड करें, ताकि सर्दियों में आप लोग जो है उनकी रहने सहने की जगह को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ जब मैं रात सखर में था और जैकबाबाद में थे हम लोग, तो वहाँ पे साइबेरियन हवाएं बन गई जाती कोयटा से, तो उन लोगों के लिए गर्म कपड़ों के इंतजाम भी हम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को गर्म कपड़े लेना पहुँचाए जा सके। और मैं इस चीज़ को भी शुरू करूँगा कि जब आगे क्रिसमस आ रहा है, दो महीने बाद क्रिसमस है, तो क्रिसमस से कबल हम आपके पास दोबारा आए, इसी डायसिस में हम आपके पास आएंगे, क्रिसमस से पहले आएंगे, और क्रिसमस की खुशियों में भी आप सबको शामिल करेंगे, आपके साथ मिलकर उन खुशियों को दुबाला करेंगे। मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हम चाहे जिस मुश्किल से भी गुजरे, हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना है। वो कहता है उठते बैठते चलते फिरते और जिस हाल में भी आप हैं, आपने खुदा का शुक्र अदा करना है, और वो भी हमने गिन के शुक्र ही हवाला करो कि हमें हर हाल में उसका शुक्रगुजारी करनी है। और भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, पालिस्तीन में इकबाल साहब ने, कि मन बरसता था जब बनी इसराइल कौम को खुदा मन प्रोवाइड करता था, वो भूखे प्यासे नहीं रहे, वो बियाबान में रहे, खुदा ने उनका इंतमाम किया, उनको अकेला नहीं छोड़ा। खुदा आपको भी तनहा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कल आज और कयामत तक यकसा खुदा है।
वो कल भी मन प्रोवाइड करता था, उसे 40 बरस बियाबान में उनकी देखभाल की, उन्हें उनकी निगहदाश्त की, उन्हें मेरा नहीं छोड़ा। आपको भी तनहा नहीं छोड़ेगा, आपके दूसरे भाइयों को भी तनहा नहीं छोड़ेगा, वो आपका भी ख्याल रखेगा। लेकिन बात सब ये है कि हमें उस ख्याल रखने वाले मुनजी को सजदा करने की जरूरत है। हम फरामोश कर देते हैं बाजू का, हम बदलों से लिपट जाते हैं।